टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच 12 अगस्त यानी कल से शुरू होगा। इस टेस्ट मैच से ठीक पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लग चुका है। शार्दुल ठाकुर हैमस्ट्रिंग के खिंचाव की वजह से दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। वहीं आपको ये भी बता देगी, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने इस बात की पुष्टि कर दी है। वहीं विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, शार्दुल ठाकुर तीसरे टेस्ट मैच में खेलने के लिए उपलब्ध होंगे, वो दूसरा टेस्ट मैच हैमस्ट्रिंग में खिंचाव की वजह से नहीं खेल पाएंगे। पहले टेस्ट मैच में शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके थे। वहीं शार्दुल ठाकुर के खाते में दोनों पारियों में 2-2 विकेट आए थे। शार्दुल ठाकुर की जगह टीम इंडिया में दूसरे टेस्ट मैच में ईशांत शर्मा खेल सकते हैं। वहीं ईशांत शर्मा के पास लॉर्ड्स के मैदान पर खेलने का अच्छा अनुभव भी है। वहीं 2014 में वापस चौथी पारी में ईशांत ने 7 विकेट के दम पर टीम इंडिया ने इंग्लैंड को शिकस्त भी दी। ऐसे में शार्दुल ठाकुर की जगह ईशांत शर्मा दूसरे टेस्ट मैच खेलने के सबसे प्रबल दावेदार लग रहे हैं। ईशांत शर्मा के अलावा उमेश यादव भी शार्दुल ठाकुर की जगह प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। उमेश यादव तेज गेंद फेंकने के साथ गेंद को सीम भी करने की क्षमता रखते हैं। उमेश यादव नई गेंद से गेंदबाजी कर सकते हैं और पुरानी गेंद को रिवर्स स्विंग कराने की भी क्षमता रखते हैं। खैर, तो कल के मैच में पता लगेगा शार्दुल ठाकुर की जगह किसको मौका मिलता है, ईशांत शर्मा या उमेश यादव को।